अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुनेखा अरफात, अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पे लाइक नहीं किया है, आपको रेसिपीज पसंद भी आ रही है कि नहीं बताइए तो सही। और वो आप कैसे बताएंगे, लाइक नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है कि नहीं। तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। तो मैं कहा थी रेसिपी पे, तो आज मैं बना रही हूँ मटन व्हाइट कढ़ाई। बहुत ही मजेदार है, इजीली बन जाएगी। और हाँ, बकरीद के दिन और बकरीद के टाइम पे बहुत काम होता है, या बकरीद के दिन हम बहुत बिजी होते हैं, तो ये बहुत ही झटपट है, इजी है और चटपटी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आधा किलो मटन की चर्बी निकाल लीजिए, दो तीन पानी से धोकर नितार कर एक पतीली में डाल दीजिए, या फिर कुकर में बनाना है तो कुकर में डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, दो टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, और एक कप पानी डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कुकर का ढक्कन ढक दीजिए अच्छे से, और फास्ट आँच पर चालू कर दीजिए। जब दो सीटी हो जाए, चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दीजिए। 10-15 मिनट हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए बंद। उसी समय मैंने अजान को असाइनमेंट दे दिया था माई सेल्फ का कि कुछ नहीं करेगा तो लिखते तो बैठेगा छुट्टी के अंदर, तो वो कर रहा था अपना काम। अभी जैसे हम हाउस वाइफ हैं तो खाना भी पकाते हैं साइड बाई साइड, बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है, उनकी स्कूल्स का भी देखना पड़ता है। तो वो देखिए मैं इसकी करेक्शन कर रही हूँ, और इसे ऐसा है कि अगर सारे राइट मिलते हैं तो मुझे स्टार भी दीजिए और एक क्या कहते हैं वो स्माइली भी दीजिए। तो बस वही करेक्शन करने के बाद उसे स्माइली और स्टार दे रही हूँ, तो ये भी खुश हो जाए और मेरा भी काम हो जाए कि स्कूल का इसने सारा कर लिया। चलिए कुछ देर बाद प्रेशर निकल गया कुकर से, तो मैं यहाँ खोलकर चेक कर लेती हूँ। बोटी देख सकते हैं आप, बहुत गर्म है अभी भी, लेकिन हो चुकी है। तो पानी देख सकते हैं आप इसमें है अभी भी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे साइड पर रख रही हूँ और एक पतीली रख देती हूँ, और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। यहाँ आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल करें या घी का इस्तेमाल करें। मैं 6-7 चम्मच भरकर असली घी के डाल रही हूँ, बड़े चम्मच हैं आप, छोटे नहीं हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये जो गोश्त साइड पर रखा है, पानी के साथ डाल दीजिए और इसे है ना मीडियम आंच पर पकने दीजिए, सो दैट ये जो पानी है ये पूरी तरीके से सूख जाए, नहीं तो इतना पानी ज़्यादा है ना इसमें। तो अब मैं ये पहले तो पानी सुखा लेती हूँ मीडियम आंच के ऊपर। अब आप देख सकते हैं 3-4 मिनट में इतना हल्का सा बचा है, आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा पानी सूख चुका। तो यहाँ 4-5 हरी मिर्चियाँ मैंने स्लिट मार के डाली है, फीकी वाली है, ज़्यादा नहीं तीखी है। और ये जो आप देख सकते हैं अदरक को लंबे लंबे स्ट्रिप करके मैंने डाले हैं, आधी इंच अदरक ही डालिएगा और इसे भी मिक्स कीजिए। अब यहाँ चूल्हा मीडियम पर ही है। अब ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कितने हद तक पूरा पानी ख़त्म हो चुका है इसमें, और तेल या घी जो मैंने डाला था ऊपर आ चुका है। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से फेटी हुई दही मैं डाल रही हूँ, 250 ग्राम। ये रेसिपी की जान है ये दही, इसे बहुत अच्छे से पहले तो फेटिएगा और रूम टेम्परेचर पे डालिएगा। और एकदम खट्टी दही है तो मत इस्तेमाल कीजिएगा, नॉर्मल दही होती है वो डालिए, और मीडियम आंच पर इसे भी भुनने दीजिए। अच्छा, मटन कढ़ाई ना डायरेक्टली कढ़ाई के अंदर ही पकाई जाती है, कुकर में नहीं पकाते हैं, बट अभी फ़िलहाल बहुत फास्ट हमें पकाना है तो मैंने भी कुकर में डाल दिया है। अगर आपको डायरेक्टली पतीली में पकाना है तो आप क्या कीजिएगा, पतीली के अंदर घी या तेल डालिए, डायरेक्टली मटन डाल दीजिए, अदरक लहसुन नमक डालकर थोड़ा पानी डालकर इसे दम पे आधे पौने घंटे के लिए रहने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक स्लो आँच पर मटन पूरी तरीके से गल नहीं जाता तब तक। अभी मैं ना मीडियम आँच पर ऐसे इसी तरीके से 4-4.5 मिनट पका रही हूँ, सो दैट ये जो है ये थोड़ा हल्का सा सूख जाए। ये जो हमने दही डाला है इसकी, जैसे मैंने कहा रेसिपी की जान दही है। और 4-4.5 मिनट के बाद मैं चूल्हा कर देती हूँ स्लो आंच और ढाक कर इसे तकरीबन 4-5 मिनट और पकने दूंगी। अच्छा, आप चाहें तो टोटली 8-9 मिनट पूरी तरीके से मीडियम आंच पका सकते हैं, या फिर मेरी तरह कर सकते हैं। चलिए टोटल फिलहाल यहाँ हो चुके हैं 11-12 मिनट, क्योंकि 5-6 मिनट मैंने मीडियम आंच पर रखा था, उसके बाद स्लो आंच पर मैंने 6-7 मिनट रखा, तो टोटल 12 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है, मेरा मतलब है घी। तो अब मैं डाल देती हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ साबुत जीरा पाउडर, और 1/2 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। अगर आप चाहें तो इसके बजाय सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं 1/2 छोटा चाय का चम्मच। हल्का नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, मिक्स कर लीजिए। और चूल्हा अब मैं मीडियम आँच कर देती हूँ,
मैं चख रही हूँ तो मुझे ना हल्का सा स्पाइस कम लग रहा है, क्योंकि ना मैंने काली मिर्च कम डाली है, तो मैं दो तीन हरी मिर्चियाँ फीकी वाली हैं और स्लट मार के डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो मत डालिएगा। अब चूल्हा कर दीजिए मीडियम आँच, और इसमें मैं है ना, अब ग्रेवी भी तो थोड़ी होनी चाहिए ना। अगर आपको चाहिए तो आप ग्रेवी के लिए मेरी तरह 1/4 से आधा कप दरमियान पानी डाल सकते हैं। मैंने आधा कप डाला है। अब उसमें थोड़ा सा उबाला जाने दीजिए ये पानी के अंदर, और थोड़ा सा पानी पक भी जाएगा ना। अब नमक वगैरह फिर से चख लीजिए। यहाँ मैंने पकने में फिर से चेक किया, मुझे हल्का स्पाइस कम लग रहा है, तो मैं आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, आप चाहें तो व्हाइट काली मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं इसके बजाय, या आधा आधा डाल सकते हैं। वैसे स्टार्ट में मैंने आधा डाला था और अभी आधा डाला, इसका मतलब एक छोटा चाय का चम्मच गया है। एक साथ आप भी मत डालें, मेरी तरह आधा आधा ही डालें, पहले थोड़ा और फिर बाद में थोड़ा। तो इससे क्या हमें अंदाज़ा रहेगा कि स्पाइस कितना है। नहीं तो बहुत ज़्यादा एक साथ डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम निकाल तो नहीं सकेंगे ना। तो चलिए, चूल्हा मीडियम पर है, 2-3 मिनट तक मैंने, आप देख सकते हैं, इसे पकाया है, तो हल्का तेल ऊपर, जो मेरा घी है ऊपर आ चुका है। मैं 5 टेबलस्पून भर कर फ्रेश क्रीम डाल देती हूँ। आप चाहे तो बाजार की भी डाल सकते हैं मेरी तरह, या फिर आप घर की भी डाल सकते हैं। घर की के लिए आप बहुत अच्छे से उसे ब्लेंड कर लीजिएगा, मिक्स अच्छे से कीजिएगा मलाई को, और फेंटने के बाद डालिएगा। चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच, और मैं पहले तो चख लेती हूँ। हल्का नमक मुझे कम लग रहा है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा डालकर एडजस्ट कर मिक्स कर लेती हूँ, और ढक कर इसे तकरीबन 3-4 मिनट सिमर होने रख देती हूँ। तो चलिए, ये हो चुका है, बंद कर देती हूँ मैं। और बढ़िया सा, आप देख सकते हैं, मजेदार सा बन चुका है मटन कढ़ाई। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के मैं सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। अब जब आप सर्व करें तो इसमें थोड़ा सा कोथमीर डाल दीजिए, और ये थोड़े से बारीक कटे हुए लंबे लंबे अदरक के पीसेस डाल देती हूँ, और हरी मिर्चियाँ डाल देती हूँ लंबी लंबी स्लिट करी हुई। और इसे गर्मा गर्म आप चाहें तो पराठे के साथ सर्व करें, या रोटी या फुलके के साथ सर्व करें। वैसे पराठे की रेसिपी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैंने बनाई है, सो आप वो चेक कर सकते हो। अच्छा, वैसे मैंने कुछ मटन की रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो शर्माइए मत, लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ भी रही है कि नहीं, और मुझे इस तरीके से रेसिपीज बनाना कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। तो चलिए, अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो कमेंट सेक्शन में भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।